और ये सबसे बड़ा आरोप है मुझे अमित शाह पर और गडकरी जी पर। 2024 का चुनाव सीमांचल क्या आप बाढ़ से मुक्ति दिला दिए? आपने क्या मखान का पैकेज लेके आप दिया है? क्या आप मक्का के 10 फैक्ट्री आपने कोई पैकेज दिया है? इसकी गाद निकालने के लिए क्या आपने 1,60,000 करोड़ का जो पैकेज था क्या आपने वो दिया है? आप जो सीमांचल 23 तारीख को आ रहे हैं और आपने जो चिन्हित किया है, तो ये आपका आधार क्या है? आपका आधार सीधा नफरत, रिहांगी, सीधा बांग्लादेश, सीधा सीधा का सीधा हिंदू मुसलमान। तो मैं बहुत आगाह कर देना चाहता हूँ अमित शाह जी को, रितंबरा उमा भारती से लेकर के जितने सारे बीजेपी और संघी इस इलाके में आए वो दुरुस्त होके गए। आप आ रहे हैं, आपका हम स्वागत करेंगे, आप कोसी और सीमांचल के लिए विशेष पैकेज मिथिलांचल के लिए लेके आइए। मेरा सीधा आरोप है और ये सबसे बड़ा आरोप है मुझे अमित शाह पर और गडकरी जी पर। आप 2024 का चुनाव सीमांचल में पूर्णिया और कोसी कमिश्नरी को क्यों चुना? क्या आप बाढ़ से मुक्ति दिला दिए? क्या आप दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश बिहार और बिहार में सबसे ज्यादा सीमांचल और मगध गरीब है? आपने क्या मखान का पैकेज लेके आप दिया है? क्या आप मक्का के 10 फैक्ट्री आपने कोई पैकेज दिया है? क्या आपने मानंदा, गंडक, कोसी, कमला, कन्हर, बूढ़ी और गंगा, इसकी गाद निकालने के लिए क्या आपने 1,60,000 करोड़ का जो पैकेज था क्या आपने वो दिया है? तो आप जो सीमांचल 23 तारीख को आ रहे हैं और आपने जो चिन्हित किया है, तो ये आपका आधार क्या है? आपका आधार सीधा नफरत, रिहांगी, सीधा बांग्लादेश, सीधा सीधा का सीधा हिंदू मुसलमान। तो मैं बहुत आगाह कर देना चाहता हूं अमित शाह जी को कि एक मैला आंचल की धरती है, नक्षत्र मलाकार रेणु ऐसी धरती है, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। रितंबरा उमा भारती से लेकर के जितने सारे बीजेपी और संघी इस इलाके में आए वो दुरुस्त होके गए। आप आ रहे हैं, आपका हम स्वागत करेंगे, आप कोसी और सीमांचल के लिए विशेष पैकेज मिथिलांचल के लिए लेके आइए। मैं आपसे डिमांड करता हूं 1,00,000 करोड़ का पैकेज मिथिला कोसी सीमांचल के लिए, जिसमें हम फड़क्का और कोसी बैरेज का निर्माण कर पाए या फड़क्का को तोड़ करके गंगा की गाद को निकाल करके बिहार को बचा पाए, या कोसी का बैरेज को चौड़ाकरण करके हम आधी बिहार को बचाने की उम्मीद करें। तो आप आ रहे हैं तो पैकेज हम डिमांड करते हैं आपसे, हम आपका स्वागत करेंगे। आप आ रहे हैं तो बाढ़ से मुक्ति का हम स्वागत करेंगे। आप आ रहे हैं तो मखान, मक्का, माछ और दूध, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, हम उसके लिए आपका स्वागत करेंगे कि आप हमको मिनिमम 64,000 करोड़ रुपया इस पे पैकेज दीजिए, ताकि हम दूध प्रोसेसिंग, मक्का प्रोसेसिंग, मखान प्रोसेसिंग और मछली प्रोसेसिंग को हम, और इस इलाके से जहां सबसे ज्यादा आर्सेनिक पानी है, आयरन पानी है, कैंसर है, टीबी है, दम्मा है, हैजा है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में इसकी पाई गई है, और अभी तक में मृत्यु रेट भी है कुपोषण का सबसे ज्यादा मिथिला और कोसी सीमांचल में। तो क्या हम कुपोषण के शिकार से निवृत्त होंगे? क्या आर्सेनिक और आयरन पानी के लिए आप पैकेज दे रहे हैं जिससे हमारी उम्र खत्म हो रही है? तो आप न तो आर्सेनिक पर बात करिएगा, न तो आयरन पर बात करिएगा। 1,33,00,000 लगभग मजदूर बिहार से पलायन करता है हर महीना, आता है जाता है, और उसमें लगभग 80% कोसी सीमांचल मिथिलांचल के मजदूर होते हैं। तो क्या आप हमारे हाथ को काम देने आ रहे हैं, या रक्त रंजीत और रक्त चरित्र का आपका जो कैरेक्टर है, आरएसएस और बीजेपी का जो कैरेक्टर है,
कंप्लीट रूप से नफरत का, सोसाइटी बांटने का, डर का। मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं, नफरत और डर पैदा करिएगा तो हम बड़ी कठोर चुनौती स्वीकार करेंगे और फिर नफरत का आधार के लिए पप्पू यादव से लड़ना होगा। इसलिए हम 23-24 तक इंतजार करेंगे आपके आचरण का और उसके बाद 2024 का एजेंडा सेट करने हम आपको नहीं देंगे कोसी सीमांचल। उसके लिए पप्पू यादव को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, लेकिन समाज बांटने का राइट बीजेपी को और आरएसएस को नहीं, जो लगातार हो रही। मैं हिंदी भाषी इलाके के क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि हमको साउथ इंडियन से सीखना चाहिए, हमको नॉर्थ से सीखना चाहिए कि वो नफरत करने वाले और डर पैदा करने वाले को कभी प्रवेश करने नहीं दिया। वो विकास का आधार है नॉर्थ का और हमारा आधार जाति या धर्म मजहब का हो जाता है। लोगों के भीतर शंका बनी हुई है सीमांचल कोसी में, आम लोग दहशत में है अमित शाह के डेट से, डरे हुए क्या करेंगे क्या बोलेंगे, कहां समाज को तोड़ देंगे, कहां दंगा पैदा करेंगे। एक सेंसेसनेस क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, तो ये मेरे लिए तो गंभीर विषय है।